अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब तक उनका फोन नहीं आया, हम क्या उनके फोन का इंतजार करते रहेंगे? यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे हम? सही कह रही। देखिए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास, क्योंकि जब तक उनका फोन कॉल नहीं आ जाता हमें ये कैसे पता चलेगा कि किडनैपर्स कौन है। इसलिए हमें उनका फोन आने तक का इंतजार करना पड़ेगा। पर एक फोन आया था ना, जिसे ट्रेस करने के लिए आपने हवलदार को टेलीफोन एक्सचेंज भेजा था, उसका क्या हुआ? देखिए, फोन ट्रेस करने की प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है, और दूसरी बात, इस वक्त ज्यादा जरूरी है उनका फोन कॉल आना। हम सब यहाँ पागलों की तरह फोन का इंतजार कर, वहाँ हमारे बच्चे के साथ में होंगे। मेरी बेटी अभी अभी कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से ठीक हुई है, छोटी छोटी बातों से डर जाती है, ये कितनी बड़ी बात है। प्लीज कुछ कीजिए, कुछ करते क्यों नहीं है? हमें उनका एक फोन कॉल का इंतजार है, आप लोग समझते क्यों नहीं है? आपको कम से कम 30 सेकंड बात करनी होगी, वरना फोन ट्रेस नहीं हो पाएगा। हेलो, हूँ नील कमल साड़ी वाला नी दुकान पर थी, बोलू छू। जरी के काम के लिए जो साड़ी भेजी थी घर भिजवा दूं? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैंने कहा ना, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैंने कहा ना फोन रखिए। किडनैपर का फोन नहीं था। बहुत हो गई है प्रतीक्षा, एक फोन की घंटी को कान लगा के बैठे सब लोग। हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें पैसे इकट्ठा करने होंगे। कुछ नहीं तो पैसों का इंतजाम तो करना होगा ना बा। जब पैसे इकट्ठा करेंगे तो ही तो वो किडनैपर को देके बच्चों को छुड़ा सकेंगे हम लोग। ऐसा ना हो बा, उनका फोन आए उसके बाद हम लोग पैसों की तैयारी में लग जाए, बहुत समय जाएगा उसमें, बच्चों का क्या हाल होगा बा। नानका यहाँ होता तो वो भी तो यही करता ना, हमें यही करना चाहिए बा। जो ठीक लगे वो कर, हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ फायदा नहीं, मैं जानती हूँ। मैं धर्मराज को फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी वापस। एक काम करो, तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ और जितने भी पैसा दागिना जितना जो भी कुछ है सब लेकर आओ यहाँ, जल्दी जाओ, जाओ 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 जल्दी। आप जाओ। सही कह रही है तरु भाई। देन तू तिजोरी में जाके जितना भी पैसा है लेके आ, तोरल के दागिने भी लेके आओ, जा 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 जाओ जाओ जल्दी जाओ। अब तुझे क्या अलग से न्योता देना पड़ेगा छपवा के? हाँ, वैसे भी न्योता देके तू कहाँ देगी पैसे? तेरे पेट में तेरा खुद का अंश चपल रहा है। अब इस घर के बच्चों से तुझे कुछ लेन देन है नहीं, है ना? हाँ, पहले हुआ करता होगा जब इस घर में तू अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। अब सुभद्रा के बच्चे तो तुझे खटकेंगे ही ना आंख में, अपना खुद का खाता जो खोल दिया तूने। और सुभद्रा के बच्चों के बच्चे तो और भी खटकेंगे। सच बता, अभी तो यही सोच रही है ना? दो तो गए, अब जायदाद का बंटवारा होगा तो दो हिस्से तो कम बटेंगे, यही सोच रही है ना तू? बिन भाई, अब भी तुझे कुछ बोलना है? हैं? हट। विशाल, कृष्णा को तो बहुत तेज बुखार है, हमें इसे दवाई देनी है। ए, खाना क्यों नहीं खाया तुम लोगों ने अब तक? भूख हड़ताल छोड़ो और चुपचाप खाना खाओ, वरना हम तो बाद में मारेंगे, पहले तुम लोग मर जाओगे भूख से। चलो खाना खाओ। कृष्णा को बहुत तेज बुखार है, उसके लिए दवाई और पानी ला कर दो। ए, तेरे बाप के नौकर नहीं है जो तेरा हुक्म बजाएंगे? हाँ, एक तो खाना लेकर आओ, ऊपर से खाना खिलाने को आओ, यहाँ तेरा नखरा नहीं चलेगा।
चुपचाप खाना खा ले। तुम लोगों ने सुना नहीं तुम्हारे बॉस ने क्या कहा था? ये मायावंशी के बच्चे हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो एक पैसा तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। ए गांडा छोकरा, हमको धमकी देता है? लाता हूँ, तेरे लिए दवाई लेकर आता हूँ। को जन्म दी थी, पर सच तो ये है कि बच्चे एक औरत एक माँ को जन्म देते, पर जब वही बच्चे अपनी माँ से दूर हो जाते तो माँ की छवि खंडित हो जाती, टूट जाती है, और उसे केवल उसका बच्चा ही संभाल सकता है। आज कब्दू की जो हालत है उसकी बच्चे के अलावा उसे और कोई नहीं संभाल सकता, और अपनी औलाद को खोने का डर क्या होता ये मैं जानती, मैं समझ सकती, क्योंकि जो डर कद्दू के मन में वही डर मेरे मन में भी पल रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे का कल क्या होगा, वो इस दुनिया में आएगा भी है नहीं, ये सोच के भी मुझे डर लगने लगता। मालिक, आपने मुझे वचन दिया था ना कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, हमारी संतान इस दुनिया में सही सलामत आएगी, अपना वचन पूरा करेंगे ना आप पता है मालिक, आप जब साथ होते हैं ना मालिक तो मुझे शक्ति मिलती है, पर जब आप मेरे साथ नहीं होते तो मैं नहीं होती। घर में कद्दू हितेन भाई पा सबको कितनी जरूरत है आपको, उसको आपके सहारे की बहुत जरूरत है। चिंता चाहिए मालिक। बंदीनी एक गधेड़ा, दवा चाहिए तेरे को? हाँ, और अब गाली मत देना। दूंगा, क्या करेगा? कुछ नहीं मिलेगा तुम लोग को, कुछ नहीं। गांडा, डर नहीं लगता तेरे को मेरे से? मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है। देखो, शर्म नहीं आती? एक बीमार बच्चे को दवाई नहीं देता? छोटा जरूर हूँ पर डरता नहीं किसी से। गलत काम तुम लोग ने किया है, हमने नहीं। सीधे आके हमें यहाँ बंद कर दिया, सीधे सीधे हमारे घर वाले से बात करनी चाहिए थी ना। बड़ा होके मेरा बाप बनेगा, ये ले दवा। ए, आगे से फेंक कर मत देना। दरवाजे में ताला लगाओ, ये बहुत चतुर है, इसका ख्याल रखना। हाँ चलो। ये ले कृष्णा। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।